What's up YouTube? Welcome back to my channel Bikes, Food and Fun. अगर मैं आप सबसे पूछूं कि इंडिया का सबसे बड़ा रोस्टर कौन है, Who is the ultimate roasting of India? तो आप सब कहोगे कैरी मिनाटी. Well, आप सब गलत हो. The ultimate roasting of India is none other than the great, the real tiger, बाला साहेब ठाकरे. इंडियन पॉलिटिक्स में बाला साहेब ठाकरे जी एक लौते ऐसे पॉलिटिशियन थे जो उनके दिल में था, वही उनके दिमाग में था और वही उनके जबान पे था. अगर मैं बात करूं आजकल के पॉलिटिशियंस की, तो उनके दिमाग में कुछ और होता है, जबान पे कुछ और होता है और दिल में, एक्चुअली दिल छोड़ दो, और जेबों में कुछ और ही और होता है. बाला साहेब ठाकरे अपने ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन लीडर्स को कुछ इस तरह से रोस्ट करते थे कि उनकी बोलती बंद. अपने भाषणों में बाला साहेब ठाकरे जी अपने ऑपोजिशन की धजिया उड़ा देते थे. बाला साहेब ठाकरे जी ने अपने भाषणों में अपने काफी ऑपोजिशन लीडर्स को रोस्ट किया था. वेल, मैं वो सब तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं वो सब दिखाने लग गया तो ये वीडियो दिनों दिन चलता जाएगा. उन्हीं में से मैंने कुछ क्लिप्स ढूंढ के निकाली है आप सभी के लिए. सो आज के लिस्ट के पहले रोस्टिंग कैंडिडेट है None other than शरद पवार. नहीं, काल एक गंमत म्हणून झाली, आमची पत्रकार सुंदर झाली, चांगले प्रश्न विचारले. त्यामध्ये खास प्रश्न विचारला म्हणजे खाजगीकरणाबद्दल तुमचं काय मत आहे. कारण मला खाजगीकरणही पाहिजे, पण ते शरद पवारांसारखं नको. त्यांचं खाजगीकरण म्हणजे जिथे खाजवतील तिथून पैसे काढतात, असलं खाजगीकरण मला नको. शरद पवार स्वतःचा स्वार्थ साधला गेला नाही की असा उलटा फिरतो की तुम्हीच चाट पडाल की अरे काल परवकडी मिठी मारून बसलेला, असं काय विचित्र दिसतंय. याचा पुढचा भाग कुठचा आणि मागचा भाग कुठचा? बाळासाहेब ठाकरे ने काँग्रेस को कहीं बार रोस्ट किया है और उसके लीडर्स को तो क्या कहूं, उनकी धजिया उड़ाई है. बाळासाहेब ठाकरे के पास काफी अच्छी मिमिक्री स्किल्स थी और वो स्किल्स को यूज करते थे अपने ऑपोजिशन लीडर्स को रोस्ट करने के लिए. सो आज के बाला साहेब ठाकरे जी की रोस्ट के सेकंड कैंडिडेट है सोनिया गांधी. आपला भाषण है म्हणून बेंडी 12 रुपये खेलो, टामटो 13 रुपये भो पड़ा, अरे काय आहे का पंतप्रधान काय लिहून दिलं माहित नाही, हातात आला वाचून टाकलं. अरे रोकियो जरा, बालासाहेब ठाकरे ना लालू जी को भी तो रोस्ट किया था. अरे लालू प्रसाद यादव अपने बिहारी बाबू, देखना चाहोगे? देखो हमारी शादी हो गई है, हमको शरीर को हल्दी लगी है, हम हिंदू है, यही बात मुलायम सिंह की है, वही शादी हुई है, शादी हुई उसका हलत लगी है, तो हिंदू है, ज्याच्या अंगाला लग्न झाल्यामुळे हलट लागेल तो हिंदू. आपल्याला बाळासाहेब ठाकरे जी हॅड अ व्हेरी विटी सेन्स ऑफ ह्युमर. और आज के बाळासाहेब ठाकरे रोस्ट के अगले कैंडिडेट है नारायण राणे. बऱ्याला नीट इंग्लिश येत नाही, हिंदी म्हणजे मैंने बोलिया, अरे बोलिया बोलिया. एकदा मुख्यमंत्री असताना मी वर्षा बंगल्यावर गेलो होतो, हे बसलो होतो नागोबाचं पिल्लू, मी त्याच्या इथे, त्यानंतर महेंद्रचे ते आले होते आनंद, आणि एक कोणतरी फॉरेनर त्याने आणला होता गोरा साहेब, मोठा तगडा असा, हे बसले नागोबा आयटी मध्ये. असे त्याला त्याच्या पोचीस असतात की साले इंग्लिश ते हिट करून टाकेन साली, म्हणून तर त्यांची ही झालेली असते. तो बोलायला लागला, आणि हा नारायण ते काय झाट कळलं काय तुला? तो आज के अगले कैंडिडेट है राहुल गांधी.
राहुल गांधी को किसने रोस्ट नहीं किया होगा। इनफैक्ट कभी कभी राहुल गांधी खुद ही खुद को रोस्ट किया करते थे। झूठ लगता है? अरे देख लीजिए, दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। राहुल गांधी जब यंग थे तभी भी वो कुछ ऐसे बातें कर दिया करते थे कि वो रोस्टिंग के पात्र बन जाते थे। वैसे ही बाला साहब ठाकरे जी ने राहुल गांधी को उस समय कुछ इस तरह रोस्ट किया था। अगर बाला साहब की मर्जी से प्राइम मिनिस्टर बन गया कोई, तो आप क्या करेंगे सबसे पहले काम? बांग्लादेशी को निकाल देंगे? मेरी गवर्नमेंट होती सेंट्रल में, गवर्नमेंट में तो मैं निकाल देता। इतने सारे 2 करोड़ निकाल देते हैं, 2 करोड़ लोगों को निकाल देते तो क्या, किसका माल है ये? हिंदुस्तानी भी हिंदुस्तान से बाहर 3-4 करोड़ है। देखो उनका देश मिल गया, हमारा देश का दूसरा टुकड़ा है ये। उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? हिंदुस्तान में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे? क्यों? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने छोड़े मां ने हमारे ये कल का पोपट छोड़ रहे मां ने हमारे। अगर मैं बात करूं मीडिया इंटरैक्शंस की, तो बाला साहेब ठाकरे जी वॉज एब्सोल्यूटली डैशिंग। उनकी मीडिया इंटरैक्शन कुछ ऐसी होती थी कि हर कोई अपने टीवी सेट के सामने बैठ जाता था सिर्फ उनके उस इंटरव्यू को देखने के लिए। वैसे ही उनको इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपके फिटनेस का क्या राज है, और जो उन्होंने आंसर दिया है वो सिर्फ वो ही दे सकते थे और कोई नहीं। आप इतना फिट कैसे रहते हैं? मैं ना पैसा खाता हूं ना अनाज खाता हूं, मैं गालियां ज्यादा खाता हूं तो फिट रहता हूं। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। करंट सिनेरियो में अगर कोई किसी पॉलिटिशियन को पूछ ले कि आप शराब पीते हो सिगरेट पीते हो, तो उनकी रिएक्शन ऐसी होती है, तवा तवा, शराब सिगरेट हम तो ये सब छूते भी नहीं। बट यही सवाल अगर बाला साहेब ठाकरे जी को पूछा जाए, एंड बाला साहेब ठाकरे जी बींग बाला साहेब ठाकरे, ही वॉज बोल्ड, और उनके आंसर आप खुद ही देख लीजिए। पपको पीने पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार को? हम कोई विनोबा भावे और मोरारजी देसाई नहीं है। आप भी बियर पीते हैं? आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते हैं। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं नहीं मैं पीता नहीं। क्या आप शराब? नहीं नहीं मैं नहीं शराब। कोई आप पान भी? नहीं नहीं मैं पान नहीं खाता हूँ। ये सुपारी? नहीं सुपारी। साला क्यों जिंदा रहते हैं? देयर वाज सर्टेन सेट ऑफ मीडिया जो हमेशा बाला साहेब ठाकरे जी के अगेंस्ट हुआ करता था, उनके अगेंस्ट बोला करते थे, उनके अगेंस्ट लिखा करते थे, बट बाला साहेब ठाकरे इन्हें भी काफी अच्छी तरह रोज करते थे। इनफैक्ट इनकी कह के लेते थे। दंगल शिवसेनेने केली, दंगल बाळासाहेबांच्या भाषणामुळे झाली, दंगल बाळासाहेबांच्या अग्रलेखामुळे झाली, सगळा माझ्याचमुळे झालं, त्यांना पोरं झाली माझ्यामुळे झाली। तेरा बाप। बाळासाहेब ठाकरे वॉज एन एरा विद इन हिमसेल्फ। इनके जैसा लीडर ना कभी आया है और ना ही कभी आएगा। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, एंड ऑल बाळासाहेब ठाकरे फैंस जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए। एंड हाँ, कमेंट्स में कंजूसी नहीं, डू लीव योर कमेंट्स। और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।